वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार। हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी पेपर टू के बारे में, और पेपर टू में पार्ट ए, ठीक है, उसमें चार सेक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर वन हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसका आप लोगों का आज है क्लास नंबर फोर, मतलब लेक्चर नंबर फोर। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैंने सारा ट्रेड सिलेबस जो है सो पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिया है, और जो कुछ भी बाकी है वो सब मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगा आप लोग मेल कर सकते हो इस पे contact@unlimitededucation.in पे, या फेसबुक पेज पे भी, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। आप लोग जाना फेसबुक पेज को, लाइक कर लेना, और जो भी पूछना होगा वहां पे पूछ सकते हो। जितने भी लोगों ने पूछा है मैंने सबका आंसर दे दिया है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बात ये जान जाओ कि पिछले लेक्चर में आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। आप लोग उम्मीद करते हैं कि कॉपी में लिख रहे होगे अच्छे से। देखो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को आप लोग इतना भी आसान मत समझो, ठीक है, ये उतना आसान नहीं होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके लिखो और बार बार देखो, ठीक है। समझाएंगे आप लोगों को तो आप लोगों को लगेगा कि काफी आसान है, लेकिन दो दिन के बाद आप लोग भूल जाओगे, इसलिए कॉपी में लिखना। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आप लोगों को बताए थे, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ था। देखो रिलेटिव से पकड़ना आप लोग कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, ये रिलेटिव है तो विथ रिस्पेक्ट टू के हिसाब से हम लोग करते हैं, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालेंगे तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो जिसका निकालना होगा उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसको नीचे, मतलब डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है, सब्सटेंस। ओके तो ये आपका हो गया रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप लोगों को बताए थे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो भी आपका रहेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बताए थे ना, डेंसिटी ऑफ, ये स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कर देना, इसी को मिस किए थे हम लोग, इसको याद रखना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन ही होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, और रिलेटिव डेंसिटी का नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू करके, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि आपको ये निकालना है स्टील का विथ रिस्पेक्ट टू आपको निकालना है, मान लो आयरन, तो आप क्या करोगे, ऊपर में यहाँ पे आप स्टील का लिखोगे, यहाँ पे आप स्टील का लिखोगे, और यहाँ पे आप आयरन का लिखोगे, और उसके बाद निकालोगे तो आपका निकल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील विथ रिस्पेक्ट टू आयरन, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ जाना। और एक क्वेश्चन था फैदम, ठीक है, वो किसका यूनिट होता है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे। चलो एक कंसेप्ट आप लोग लिखो कॉपी में अच्छे से, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग ये मत समझना कि आप लोगों का चैप्टर वन लंबा जा रहा है। चैप्टर वन में आप लोग चैप्टर 2, 3, 4, 5 सब कुछ कवर कर रहे हो, यहाँ पे आपका कवर हो रहा है, वहां पे हम लोग स्पीड में निकल जाएंगे, सब कुछ आपका कवर हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर, ये देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अब जहां पे यूनिट आएगा वहां पे डायमेंशन आएगा, और मेजरमेंट हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि किससे मेजर करते हैं किस चीज को। देखो यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और एन बराबर होता है 1/T यानी साइकिल पर सेकेंड, इसको बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड, ये टाइम होता है आपका, ठीक है, मतलब एक सेकेंड में कितना साइकिल घूमता है तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, इसको आप लोग याद रखना। और एक होता है आपका टाइम पीरियड, ये कह सकते हो आप टी टाइम पीरियड, और इसका फॉर्मूला आपका होता है 2π, पेंडुलम में खास करके यूज होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है LG, ये होता है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो इसको आप लोग याद रखना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एल को 4 गुना कर दें, मान लो कि ये एल है, ये नया वाला एल है,
अगर एल को चार गुना कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो टी बराबर टू पाई और एल के जगह अब आपका फोर एल हो गया और डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो टी बराबर ये दो बाहर निकलेगा तो दो गुना टू पाई एल बाय जी, यही होता है। अब ये तो होता है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मतलब नया टाइम पीरियड जो है सो दो गुना हो गया, मतलब टी वन जो है सो आपका टू टी, तो नया टाइम पीरियड क्या हो गया आपका दो गुना हो गया। तो दो गुना हो गया इसका मतलब ही समझो आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, दो गुना हो गया इसका मतलब होता है घड़ी सुस्त हो गई, स्लो हो गया घड़ी जो है सो आपका घड़ी आपका स्लो हो गया, लोग इसमें फंस जाते हैं, हो जाएगा लोग इसमें फंस जाते हैं। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या होता है। खुद सोचो आप, टाइम पीरियड एक राउंड ऐसे यहां से गया यहां और यहां से आया यहां, ये आया आपका 10 सेकेंड, ठीक है। अब आपका यहां से यहां गया और यहां आया वापस, ये आया आपका 20 सेकेंड में, इसका मतलब क्या हुआ, स्लो हो गया, धीरे इसमें तेजी से जा रहा था, इसमें धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ना, ऐसे समझो। अगर लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब घड़ी स्लो हो जाएगा। ये क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पेंडुलम का लंबाई बढ़ाने से घड़ी स्लो हो जाएगा, घड़ी फास्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप लोग क्लियर कर लेना, ओके। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, आप लोग इसको कॉपी में लिखना जरूर, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगा। मेरा काम है जितना अच्छा हो सकता है मैं बताता हूँ, और जो लोग डिसलाइक करते हो ना मेरा लेक्चर, उनसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको जिसका लेक्चर अच्छा लगता है ना उसका लिंक मुझे भेज देना कमेंट में, ठीक है। मैं भी देखूंगा कि आपको किस टाइप का लेक्चर अच्छा लगता है, तो फिर हम लोग उस हिसाब से इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे और आपको डिसलाइक का मौका नहीं देंगे, ठीक है। तो या तो आप कमेंट करो कोई और लिंक, या तो डिसलाइक मत करो, ओके। देखो यहाँ पे आपका एक है भी बराबर रूट अंडर के वाई रो, ठीक है। ये क्या है, टर्म पहचानो, के है आपका बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी। रो है आपका डेंसिटी, डेंसिटी, कहीं कहीं पे आपको रो के जगह डी भी लिख सकता है, डी भी लिख सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, बस कंसेप्ट समझो। और भी है आपका स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ओके। अब देखो अगर किसी मीडियम का बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल सा बात है, डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम या दैट मटेरियल, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मटेरियल, जैसे मान लो आयरन के बारे में बात कर रहे हैं, आयरन के बारे में, तो डेंसिटी ऑफ आयरन, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन रड, अगर रड है मान लो तो स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन रड, डेंसिटी ऑफ आयरन रड, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आयरन रड, तो ये कॉमन सेंस का बात है, ये आप लोग समझना। ये क्यों बताए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, रिलेट कर देगा, डेंसिटी को चार गुना कर देंगे, बल्क मॉडुलस कॉन्स्टेंट रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखना। देखो हर एक चीज जो आपको बताया जा रहा है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एएलपी के लिए भी, और चूंकि एसएससी जेई जो होता है वो तो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है, और बीटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं, एमटेक वाले भी भरते हैं, और डिप्लोमा वाले भी भरते हैं, तो एसएससी जेई के लिए जो लोग पढ़ रहे हो उनको भी काफी हेल्प मिलेगा इससे, इसलिए आप लोग अच्छे से करो। और आपका तो डाल ही दिया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ कर दिया लेवल है ना, रेलवे एएलपी के लेवल के हिसाब से ना ये ज्यादा हो गया, लेकिन क्या करोगे, छांटना है ना उसको कैंडिडेट को, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जीके को खत्म कर दिया और जनरल साइंस को ला दिया, रेलवे का बच्चा जीके ज्यादा जानता है, जनरल साइंस कम जानता है, थोड़ा सा टफ कर दिया है। एक देखो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख रहे हो ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका डेल पी माइनस डेल पी बाय डेल वी बाय वी, मतलब आप ये कह सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। हमेशा स्ट्रेन जानते हो ना, चेंज इन लेंथ,
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो इतना आप लोगों को याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो कि ये होता है फॉर्मूला। अब अगर मान लो कि इसमें आपका पूछ लेता कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो ये भी है और ये भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। और ये प्रेशर है, मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना काफी जरूरी है। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आप डायमेंशन निकाल लोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, जो आपका आ जाएगा डायमेंशन वही हो जाएगा के का डायमेंशन, ओके। चलो एक क्वेश्चन है आपका मैक नंबर का, आप लोग नाम सुने होंगे मैक नंबर, MACH मैक नंबर, ये साउंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये होता है वी बाई सी। अब आप लोगों को इसमें ध्यान क्या देना है वो मैं बता रहा हूँ। सी को वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग हमेशा लिखते हैं तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, तो आप लोग इसको किसी तरह से क्लियर कर लेना, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्ट का स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, और ये होता है आपका स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। मतलब सिंपल सा बात है, मैक नंबर साउंड से रिलेटेड है, तो साउंड का स्पीड के कंपेरिजन में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को निकालते हैं। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछता है, तो आपका ये पूछता है, ये जब निकालोगे, ये जब आप रेशियो निकालोगे तो वन से कम आ सकता है, वन आ सकता है और वन से ज्यादा आ सकता है, तो बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वन से कम आएगा तो, अगर आपका वन के बराबर आएगा तो, अगर आपका वन से ज्यादा आएगा तो, और अगर आपका फाइव से ज्यादा आएगा तो, चारों लाइन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको स्टार मार करके कॉपी में लिखना। तो सिंपल सा बात है, सब और सुपर का आप लोग नाम सुने होंगे, सब का मतलब ये कम, तो सब सोनिक, सब सोनिक, ठीक है, इसको बोलते हैं वन से कम रहेगा मैक नंबर तो सब सोनिक, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल आप सोनिक भी कह सकते हो या ट्रांसोनिक कह सकते हो, ट्रांसोनिक, ओके। ये आपका वन से ज्यादा है, ये आपका सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। अब देखो सुपर से भी समझ सकते हो कि वन से ज्यादा होगा सब, वन से कम होगा, और हाइपर, हाइपर टेंशन का नाम जानते हैं, ज्यादा टेंशन, जरूरत से ज्यादा टेंशन, तो उसी तरह से ये हाइपरसोनिक, पांच से ज्यादा, ये पांच इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऑप्शन में कभी कभी चार तीन छह ये भी दे देता, पांच से ज्यादा रहेगा तो हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो इतना सारा कंसेप्ट आप याद रखना, ये लेक्चर नंबर आपका फोर है, और हर लेक्चर में मैंने काफी हद तक थ्योरी बताया है, और अगर आप सारा क्लियर कर लोगे तो जब हम लोग चैप्टर नंबर टू में जाएंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे, वेट एंड डेंसिटी, तो आपको डेंसिटी का डायमेंशन, वेट का डायमेंशन, वेट का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा कुछ पहले से आता रहेगा, देखोगे कि तुरंत निकल जाएंगे लोग। फिर चैप्टर नंबर थ्री में जाओगे, मान लो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वहां पे आप ओम्स लॉ पढ़ोगे, वोल्ट मीटर पढ़ोगे, एमीटर पढ़ोगे, करंट मेजरमेंट पढ़ोगे, ओम्स का सिंबल पढ़ोगे, मतलब सब कुछ आपको पहले से आता रहेगा, ये फायदा हो रहा है। इसीलिए इस चैप्टर को लंबा लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि सारा का जड़ यही है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, सबसोनिक लेस देन वन, ट्रांसोनिक इक्वल टू वन, सुपरसोनिक ग्रेटर देन वन, और हाइपरसोनिक ग्रेटर देन फाइव। मैक नंबर किसका किसका रेशियो होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आएगा आपका फॉर्मूला, इट इज द रेशियो बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पीड टू द स्पीड ऑफ साउंड। दूसरा में ऑप्शन उल्टा कर देगा, तीसरा में स्पीड ऑफ साउंड के जगह स्पीड ऑफ लाइट कर देगा, तो ये सब आप लोगों को ध्यान देना है। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन पिछला लेक्चर का ही स्लाइड है, मैंने जानबूझ करके उठाया है, ये तो आप 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग जानते होंगे, और रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन आपको बता दिए थे, धीरे धीरे नीचे जाएगा तो बारिश होगा, रेनफॉल होगा, ठीक है, और अगर तेजी से जाएगा, अगर तेजी से जाएगा तो स्टॉर्म होगा, और अगर धीरे धीरे ऊपर चलेगा तो साफ मौसम रहेगा, मौसम साफ रहेगा, ये आप लोगों को बता चुके थे, ठीक है। रिवीजन हो गया आप लोगों का अच्छा से, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखो फैदम, अगर आपका डेप्थ ऑप्शन में नहीं रहता ना, तब आंसर डिस्टेंस होता। मैंने पिछला लेक्चर में डिस्टेंस बताया था, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, ठीक है, अगर डेप्थ ऑप्शन में नहीं रहता तो डिस्टेंस होता, क्यों,
क्योंकि फैदम इक्वल टू वन, फैदम इक्वल टू वन 6 फीट होता है, और ये तो लेंथ का ही मेजर करता है, डिस्टेंस का ही मेजर करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, डेप्थ एप्रोप्रिएट आंसर होगा। देखो कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है ना, चारों ऑप्शन आपको मिलता जुलता सही लगेगा, लेकिन वहां पे हम लोग क्या टिक करते हैं, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्थ और डिस्टेंस का अगर बात किया जाए तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका डेप्थ, और इसीलिए पूछा जाता है कि फैदोमीटर जो है सो मेजर करता है तो डेप्थ। ठीक है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लेना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो थोड़ा सा लेवल पेपर हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ही बता रहे हैं लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ई इज इलास्टिसिटी एंड डी इज डेंसिटी। अब बताओ, आपको फॉर्मूला बताए थे वी इक्वल टू रूट अंडर के बाय रो, रो तो यहाँ पे रो डेंसिटी होता है, यहाँ पे डी दे दिया, चलो डी लिख देते हैं। अब बताओ, देन फाइंड एक्स इन इक्वेशन, आपका ये इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब उल्टा कर दिया है। तो पहले हम लोग इस टर्म में लाएंगे, इस टर्म में लाएंगे भी इक्वल टू, उल्टा करेंगे इसको। जब आप उल्टा करोगे पहले इसको सीधा ही लिखो, के वाई डी वन बाय टू, रूट को हम लोग हटा दिए, वन बाय टू। अब हम लोग डी वाई ई है ना, तो डी वाई ई, तो डी वाई के भी रह सकते हो, ई भी कर सकते हो, यहाँ ई कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इलास्टिसिटी है वैसे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के होता है, लेकिन यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी को इन्होंने ई माना है, तो आप भी ई कर दो। ठीक है, ई कर दो, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो डी वाई ई उल्टा कर दिए, तो जब आप उल्टा कर दोगे तो ये माइनस वन बाई टू हो जाएगा, सिंपल सा बात है, उल्टा करोगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा एक। अब बताओ, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, x के जगह पे माइनस वन बाई टू, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ही है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिस है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, तब देखो आपको पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट होता क्या है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले लेटेंट हीट का अगर फॉर्मूला का हम बात करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। एक चीज होता है लेटेंट हीट में, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये देखो अगर वाटर है ना, वाटर है ना, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। ठीक है, बॉयल हो जाता है, तो मान लो 99.9999 एक समय पे ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और अचानक से फिर बॉयल हो जाता है, मतलब वेपोराइज फॉर्म में हो जाता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो एक ऐसा पार्टिकुलर पॉइंट होता है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस आप मान करके चलो, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ये लिक्विड से वेपर में चेंज होता है वाटर, बट टेम्परेचर यहाँ भी 100 रहता है और यहाँ भी 100 रहता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्टेट चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ये होता है लेटेंट हीट। अब आपका ये लिक्विड से वेपोराइजेशन है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको बोलेंगे, ये होता है आपका लेटेंट हीट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट एल बराबर क्यू वाई एम, याद रखो ये याद रखो, या क्यू बराबर एम एल याद रखो, दोनों में से आपको जो आसान लगे आप वो याद रख सकते। पर यूनिट मास कुछ नहीं, हीट पर यूनिट मास, कोई भी हीट पर यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों को याद रखने के लिए, हीट पर यूनिट मास। तो देखो हीट क्या है, एक तरह का एनर्जी, तो एल बराबर क्यू बाई एम लिखते हैं, हीट क्या है एक तरह का एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। आप लोगों को बताया था वर्क और एनर्जी को, ना कोशिश करो याद कर लेने का, क्योंकि बहुत हेल्प मिलता है, एम एल टू टी माइनस टू, और डिवाइडेड बाय मास है तो एम, ये एम से ये कट गया, आपका क्या हो गया एल टू टी माइनस टू। देखो कहाँ है, टी माइनस टू सब में है, एल टू इसमें भी है, दोनों में है, एल टू टी माइनस टू दोनों में है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका एल टू टी माइनस टू, यानी एम जीरो एल टू टी माइनस टू। ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों में एम दे दिया है, एक में जीरो कर दो, यहाँ पे मिस टाइप हो गया होगा, मिस प्रिंट कर सकते हो, और
डी हो जाएगा आपका, दोनों सेम ही है, सेम नहीं होगा, एक में एम जीरो एल टू पी माइनस टू, ठीक है, जिसमें आपको सुधार लेना। चलो कंसेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन आपको घुमा के भी दे देगा तो आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन की आप याद कर लो, अगर लेंथ पेंडुलम का 2% से बढ़ेगा तो टाइम पीरियड जो है सो 1% से बढ़ जाएगा, इसको या तो आप याद कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर 2% के जगह पे 10% कर दिया, 5% कर दिया, 15% कर दिया तो आप फंस जाओगे, गारंटी है कि आप फंसोगे। तो चलो एक मिनट लगेगा, कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट अगर देख लोगे ना तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा आप बना दोगे, और इस कंसेप्ट में आप बहुत सारा चीज सीखोगे तो ये भी आपको काम करेगा। ये आप लोगों को पता है t बराबर 2π रूट अंडर एल बाई जी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ रहा है। चलो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग t, आप लोग आज डिफरेंशिएशन भी सीख जाओगे थोड़ा सा, और लॉग का फॉर्मूला भी, लॉग t इक्वल टू, अब बताओ लॉग एक्स वाई को कैसे लिखते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखते हैं ना, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपको लॉग एक्स बटा वाई को कैसे लिखते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला, इस दोनों को हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, गुना का साइन है, तो लॉग टू पाई प्लस लॉग एल वाई जी, इस रूट को एक बटा दो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई डी एक्स अगर आप लॉग एक्स करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना, 1/x। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आप लोगों को, लॉग टी इक्वल टू लॉग टू पाई प्लस और लॉग एल वाई जी का पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2 लॉग एल वाई जी। फिर एक लाइन लॉग टी इक्वल टू लॉग टू पाई प्लस 1/2 लॉग एल माइनस लॉग जी, ओके, इसको आप साइड करो, ये आपका ऐसे साइड है। इसके बाद आप डिफरेंशिएट करो, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/t डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है प्लस 1/2 1/l डी एल और माइनस 1/g डी जी, ठीक है। अब मान लो घड़ी का पेंडुलम का बात करें, मतलब एक जगह पे क्या है कि ग्रेविटी फिक्स है ना, एक जगह पे ग्रेविटी फिक्स है, तो जब एक जगह पे ग्रेविटी फिक्स है तो चेंज इन ग्रेविटी यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, मतलब 1/t डी टी इक्वल टू 1/2 इंटू डी एल वाई एल, ठीक है। चलो अब दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, डी टी वाई टी इंटू 100 इक्वल टू 1/2 इंटू डी एल वाई एल इंटू 100। अब बताओ ये क्या है, यही है ना परसेंटेज लेंथ और ये परसेंटेज टाइम, तो बराबर 1/2 गुना ये आपका दिया हुआ है 2%। देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, तो 2%, तो जब आप ये करोगे तो आपका ये कट के आ जाएगा 1%, मतलब टाइम जो है सो टाइम पीरियड आपका 1% हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे, अब देखो ये कंसेप्ट आप समझ गए, ये आपको करना नहीं है, ये आप समझ गए। अब आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि लेंथ का जो परसेंटेज है और टाइम का जो परसेंटेज है, मतलब डी टी वाई टी गुना 100 बराबर डी एल वाई एल गुना 100 और 1/2, ये आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब जितना परसेंट ये होगा उसका आधा ये होगा, सिंपल सा बात। तो अब कंसेप्ट समझ में आ गया, अब बताओ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 25% देन द टाइम पीरियड विल बी, आप डायरेक्ट बोलोगे इंक्रीज बाय 12.5%, समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को फायदा समझ में आया होगा, इतना डिटेल्स में पढ़ने का फायदा क्या है।
जितना लेंथ बढ़ेगा ना उसका आधा टाइम पीरियड बढ़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। चलो द एस आई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, देखो पीवी बराबर एनआरटी, डायमेंशन या यूनिट निकालने के लिए ना आपके मन में जो फॉर्मूला याद आ जा रहा है उससे रिलेटेड आप उससे कर दो, आ जाएगा। तो आर का पूछा है तो आर बराबर पीवी बाय एनटी, अब देखो पी है फोर्स बाय एरिया यानी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम है मीटर क्यू, और डिवाइडेड बाय ये है मोल और ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन लिखा है। चलो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यू कैंसिल, आपका बचा न्यूटन मीटर बाय मोल केल्विन, मतलब मोल का ऊपर जाएगा माइनस एक, के का ऊपर जाएगा माइनस एक, देखो के माइनस एक मोल माइनस एक दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ऑप्शन नहीं पकड़ाया। और न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर देखो न्यूटन है ये खत्म हो गया, ये अर्घ है, ये जूल है और ये वाट है। तो एक बात बताओ न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं ना, न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं, तो जूल केल्विन माइनस वन मोल माइनस वन, देखो ऑप्शन डी भी हो सकता था, तो हो गया आपकी सर वन जूल इक्वल टू 10^7 अर्घ होता है, ये आपका यूनिट पूछा है तो ये भी होगा, लेकिन एस आई यूनिट पूछा है तो जूल आएगा, अगर सीजीएस पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। यहीं पे तो लड़के फंसते हैं, यही सारा क्वेश्चन तो बना के आप लोगों को आगे निकलना है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अब देखो इसको कैसे बनाओगे, एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू माइनस के ए डी टी वाई डी एक्स, ठीक है, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, ओके। ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ये होता है एरिया, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर और ये होता है चेंज इन लेंथ, ये आपका चेंज इन टेम्परेचर और ये चेंज इन लेंथ, मैं लिख देता हूं चेंज इन टेम्परेचर और ये चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ देखो, और ये क्यू, तो ये होता है आपका फ्लक्स माना जाता है, हीट फ्लक्स इसको कहते हैं, तो ये मेनली होता है क्यू बाय टी होता है पर सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे ए है मीटर स्क्वायर हुआ और ये मीटर है ना, तो यहां से भी आप कर सकते हो माइनस के ए की जगह लिखते हैं मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर को यहाँ पे थीटा माना है तो थीटा लिख देते हैं और ये लेंथ है तो मीटर, तो ये से ये कट गया, ठीक है, मतलब आपका मीटर और थीटा वो बचा, और इधर Q है, Q क्या होता है, ये भी एक तरह का एनर्जी है, तो एम एल टू टी माइनस टू, आप लोगों को बार बार बोलते हैं एनर्जी का कोशिश करो याद रखने का, और डिवाइडेड बाय टी है तो टी इक्वल टू के माइनस साइन को हटा दो क्योंकि डायमेंशन में उसका कोई यूज नहीं होता है। चलो अब बताओ ये एम क्या है, ये मीटर वाला एम है, तो ये हो गया एल, चलो ठीक है, ये हो गया आपका एल और ये हो गया थीटा। चलो तो के बराबर करोगे तो एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी, एल थीटा नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे, चलो एल से एल कट गया, मतलब एम एम एल टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन, ये आपका हो जाएगा आंसर, एम एल टी माइनस थ्री, एम एल टी माइनस थ्री और थीटा माइनस वन, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो ये सब भारी नहीं है, ये सब मतलब 40 सेकेंड का कमाल है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे वीडियो बना दूंगा आप लोगों का, 10-15 मिनट लगेगा, आप लोग समझ जाओगे। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, और मान लो इसमें 5 रहता है, इसमें 3 रहता और इसमें 8 रहता, तो जो लोएस्ट होता है ना उसी में आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें दो है तो इसमें तो लोएस्ट दो ही है, आंसर दो वाला होगा। सबसे पहले इसका एवरेज निकालना है, 3 मेजरमेंट है आपका, तो पूछा इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आप इसका एवरेज करो, तो 7.1 7.2 और 7. और 6.7, इसको आप लोग जोड़ोगे 7 2 9 10 0 1
7, 7, 14, 6, 20 और 21, ठीक है। एवरेज करोगे तो आपका आएगा 7। अब देखो ध्यान से, 7 ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, और हम लोगों को आंसर जो चाहिए वो दो सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, गलत है, लेकिन 7 होगा या 7.0 होगा इसमें कन्फ्यूजन है। तो क्या होगा आंसर? 7.0। क्यों? क्योंकि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? देख करके आप लोग बोल दोगे। जैसे मैं बोला ना यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि ये रहता, मान लो आपका रहता 2.004, इसमें आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपका ये रहता, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपका ये रहता तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपका ये रहता तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। तो ये कैसे निकाल रहे हैं ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर 10 मिनट का एक लेक्चर छोटा सा बता देंगे तो आप लोग समझ जाओगे। और फर्स्ट टाइम आप लोगों का एग्जाम हो रहा है एएलपी का इस पैटर्न पे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग डाल के, तो किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या पूछेगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आपको हर एक छोटा से छोटा चीज अच्छे से समझा दिया जाए, क्योंकि जान जाओगे ना तो सिर्फ एक एएलपी ही नहीं आपको हर एग्जाम में काम आएगा। जनरल साइंस ही मतलब आप सीख रहे हो, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पूरा का पूरा कंसेप्ट ही आप सीख रहे हो एकदम से डीपली। चलो हो गया, अब हम लोग आसान आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो सब ब्रेन वॉश वाला क्वेश्चन है, वो सब पढ़ोगे तब लगेगा कि हाँ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ये सब तो बस रटने वाला है, देखोगे याद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल डायमेंशन लेस क्वांटिटी? देखो एक चीज बता देते हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट जो होता है ना वो मैक्सिमम टाइम पर यूनिट लेंथ में बात करते हैं, जैसे वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ओके, प्रेशर प्रेशर पर यूनिट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं फोर्स ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बताओ पूछ रहा डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी होता है लेंथ, लेंथ का भी होता है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर, लेंथ भी मीटर, कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, बाकी में डायमेंशन आएगा कोई ना कोई, तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट आंसर हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द एल्टीट्यूड, अब देखो ये सब पकड़ने का कोशिश करो, एल्टीट्यूड देखो, ALT, ALTI, LT, LT दोनों में है, और ये आपका इससे भी देखो बहुत सारा चीज आपको बताएंगे, वर्ड से पकड़ लोगे आंसर, नहीं भी याद रहेगा ना, कोर वर्ड से पकड़ लोगे आंसर, रूट वर्ड से आंसर पकड़ लोगे। तो हवाई जहाज का ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? तो अल्टीमीटर, ओके। छोटा सा और चीज, अमीटर से क्या करते हैं? अमीटर से करंट मेजर करते हैं, सब चीज जान जाओ, कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन हो सकता है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर साउंड मेजर करता है। एनीमोमीटर वायु की गति मेजर करता है, और अल्टीमीटर वायुवान का ऊंचाई मेजर करता है। देखो हाइग्रोमीटर आपको बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे? एक होता है हाइग्रो और एक होता है हाइड्रो, तो हाइड्रो डी से पकड़ना, डेंसिटी, अब एग्जाम में डेंसिटी पूछे या स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे, क्योंकि दोनों डेंसिटी के टर्म में ही डिफाइंड है ये दोनों, और ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये हो गया ह्यूमिडिटी का, ठीक है, ह्यूमिडिटी का। तो सिंपल सा बात है, हाइग्रोमीटर पूछा तो ह्यूमिडिटी का। चलो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बच के रहना, इसलिए समझने के लिए आपको इतना अच्छा से बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक? अर्थक्वेक तो सिस्मोग्राफ सब लोगों को पता होगा। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? देखो नैनो सेकेंड टाइम का है, माइक्रो सेकेंड टाइम का, सेकेंड लगा हुआ है तो पकड़ो ना, टाइम टाइम टाइम, ये टाइम नहीं है, लाइट ईयर डिस्टेंस का है। और ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में फिक्स है आएगा, ठीक है, जिसको जिसको बोल देते हैं ना, ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे, किसी न किसी एग्जाम में शिफ्ट में ये क्वेश्चन, एएलपी का जो सेकंड पेपर होगा, किसी न किसी शिफ्ट में आप लोग लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आने वाला है और ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ भी वही चीज है, लाइट ईयर इज रिलेटेड विथ डिस्टेंस। चलो द एनर्जी ऑफ फूड,
फूड आप लोगों को ये रिपीट हो चुका है, बोले थे ना जैसे बच्चा 2200 कैलोरी चाहिए, लेडीज को 2400 चाहिए, जेंट्स को 2600 चाहिए, जो वर्कर होता है उसको 2800 चाहिए, तो किस चीज में कैलोरी में हम लोग मेजर करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डैश इज नेम्ड आफ्टर एंड्रे मैरी एम्पियर। नहीं पता है कोई बात नहीं, एम्पियर तो जानते हो ना, एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, हो गया। तो क्वेश्चन से भी आंसर मार सकते हैं, छोड़ने से अच्छा है रूट वर्ड पकड़ने का कोशिश करो। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, 7 आप लोगों का बताया गया था, 7 बताए थे हम लोग, ठीक है। करंट का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, मास का, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का, ये सातों जुबान पे रहना चाहिए एनी टाइम। द टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर, अब देखो टेलीस्कोप, टेली का मतलब होता है दूर का, तो दूर का ऑब्जेक्ट देखने का काम आता है टेलीस्कोप। चलो वेलोसिटी ऑफ वाइंड आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वेलोसिटी मापते हैं हवा की गति, ऑडियोमीटर से साउंड, टेकोमीटर से, टेकोमीटर से क्या मापते हैं, गति, ये जो चक्का घूमता है ना इसका गति मापते हैं, और स्पीडोमीटर से स्पीड। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन स्पेस, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन वाटर, टू व्यू टीनी ऑब्जेक्ट, वन ऑफ दीज। तो ये होगा स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है काफी दूर, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। देखो ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है, इसीलिए आपको पूरा थ्योरी क्लियर कर दिए हैं। एक इंच में क्या होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1000 माइक्रोन। अब बताओ 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोन का मतलब 10^-6, 1000 का माइक्रोन का मतलब क्या होगा, तो 1000 × 10^-6 मीटर, ये मीटर होता है ना, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 10^-3 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये लाल है तो ये इसके मत समझना कि यही ऑप्शन होगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए 10^-3। इतना आप लोग कॉन्फिडेंस रखा करो, निकाल करके ला रहे हो तो उस पर ज्यादा भरोसा करना है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में क्या होता है, तो 2.2 पाउंड होता है, ओके। चलो देखो पास्कल, पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का, याद होगा 1 वाट आवर। आप लोगों को क्या बताए थे, देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को याद करवाए थे 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल। आप लोगों को ये बताए थे ना, ये बताए थे। अब देखो क्या पूछ रहा है, 1 वाट आवर मतलब किलो नहीं, तो सबसे पहले इसको 1000 वाट आवर करो, 3.6 × 10^6 जूल, और इस 1000 से इसको कट करो 3, यानी 3.6 × 10^3 जूल, ये आंसर। अब बताओ आते हुए भी अगर छोड़ दोगे तो इसमें किसकी गलती है, ठीक है। चलो अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, काफी फेमस क्वेश्चन, एएलपी के एग्जाम में ट्रांसफार्मर से 5 से 6 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। देखो ट्रांसफार्मर आपको 2-3 चीज बताते हैं, ट्रांसफार्मर ये म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको आप लोग रट जाना, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, एसी में रहता है, एसी वोल्टेज पे ही ये काम करता है, ठीक है। एक चीज आपका रेक्टिफायर का आप लोग नाम सुने होंगे, रेक्टिफायर ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में। और इन्वर्टर का आप लोग नाम सुने होंगे, सब लोगों के घर में होगा इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी करता है। इन्वर्टर बैटरी रहता है, इन्वर्टर में बैटरी यूज होता है, तो बैटरी डीसी और अपने घर में सप्लाई मारता है एसी, ठीक है, डीसी टू एसी, रेक्टिफायर एसी टू डीसी, और ट्रांसफार्मर एसी पे ही काम करता है। तो अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू इंक्रीज डीसी वोल्टेज, जहां डीसी आया गलत गलत गलत, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। एट व्हाट टेम्परेचर डू बोथ द सेंटीग्रेड एंड द फारेनहाइट थर्मोमीटर शो द सेम रीडिंग, आप लोगों को बताए हुए थे निकाल करके कैसे आया था, ओके। फिर भी याद रखना, C-0/100 F-32/180 K-273/100, ये याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है। किस डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होगा, सॉल्व करोगे इस दोनों को तो आपका -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। किस डिग्री पे, किस डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस और केल्विन बराबर होता है, तो ये 100-100 कट जाएगा, करोगे तो आपका आ जाएगा। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे,
कि सेल्सियस अगर 150 डिग्री हो तो फारेनहाइट कितना होगा, तब क्या करोगे। इसीलिए आपको कहते हैं कि जो कंसेप्ट आपको समझा दे उस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लो। देखो लिखना एक ही बार है, बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिख लोगे ना ये तो इस टॉपिक का खिस्सा खत्म, कहानी खत्म। बार बार जहां भी आएगा ना आपको याद रहेगा, आप बना लोगे, इसीलिए इसको आप लोग कर लेना। ओके चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कर दिया करो, डिसलाइक करने वाले कोई ऐसा लेक्चर का लिंक भेजो जो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो हम लोग अपने लेक्चर में इंप्रूव करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग मंथ एग्जाम का तैयारी करो। थैंक यू।